हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं आसमान में उड़ने वाले वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इसके भाई के आईडी पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इनके आईडी पर अधिकतर वीडियो इस प्रकार के अपलोड किया गया है और प्रत्येक वीडियो पर मिलियंस में लाइक गए हुए हैं। आप भी यदि बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है वीडियो को। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ अब बिल्कुल साधारण तरीके से। तो आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को शूट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। जब आपका वीडियो शूट हो जाएगा तो एक बैकग्राउंड क्लिक कर लेना है कुछ इस तरह से। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, उसको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। वीडियो को मैं एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ, चाहे तो आप भी कुछ इस तरह के वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो शूट करना बिल्कुल आसान है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था वीडियो को आपको शूट किस प्रकार करना है। तो देख सकते हैं सिंपल कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया गया है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे हैं ग्रीन स्क्रीन में, उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट किया था सेलेक्ट कर लेता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको ग्रीन स्क्रीन में ही वीडियो शूट करना होगा, तभी आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, यदि आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा ट्रिम टू लेफ्टॉप प्ले हिट कर देंगे, वीडियो प्रेस करके रखेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से लास्ट पॉइंट में लेकर आ जाना है। इसके बाद राइट साइड के कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, राइट पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आ जाना है। इसके बाद जो बैकग्राउंड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद और ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रॉप का, सिंपल क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल करना है और इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको देख सकते हैं जैसे ग्रीन स्क्रीन अलावा जो पार्ट आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से हो गया और कुछ इस तरह से हो गया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है, तो बिल्कुल आसानी से आप क्रॉप कर सकते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है कुछ इस तरह से। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपका वीडियो फुल बॉडी में शूट होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं हमने जो वीडियो शूट क्या हूँ कुछ ऊपर ऊपर की तरफ से यहाँ पे सर के सामने देख रहे हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन नहीं है, लेकिन आपको वीडियो शूट करेंगे तो आपको फुल बॉडी ग्रीन स्क्रीन में होना चाहिए। इसके बाद डन करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था एक्स्ट्रा पार्ट के मैंने क्रॉप कर दिया हूँ। क्रॉप करने के बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल क्लिक करना है और इसे आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी कलर आप यूज किए होंगे वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, किसी भी एक कलर का भी कपड़े यूज कर सकते हैं। इसके बाद डन करेंगे, डन करने के बाद शो मास्क पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्रोमा की जो है हमारा ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, शो मास्क पे क्लिक करना है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है। तो कुछ इस तरह से आगे की तरफ करना है, जो आपको ग्रीन स्क्रीन जो दिख रहा था उसे कुछ इस तरह से ब्लैक कर देना है, ठीक है, ध्यान रखना है कुछ इस तरह से आपको ब्लैक कर देना है। इसके बाद ये जो होता है फेस को व्हाइट करने के लिए होता है, तो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है, आपका बॉडी जो है कुछ इस तरह से व्हाइट आपको कर देना है। इसके बाद अगर यहाँ से एडजस्ट नहीं हो पाता है तो यहाँ पे आना है और यहाँ से भी आप कुछ इस तरह करके एडजस्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं तो आप जैसे कि हम ओके करेंगे तो आपका वीडियो देख सकते हैं, हमारा जो ग्रीन स्क्रीन था हमारा रिमूव हो चुका है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे अब कुछ इस तरह से आपको जूम इन जूम आउट करके सेंटर में कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डन करेंगे, इसके बाद दोनों वीडियो को ओरिजिनल साउंड को मैं म्यूट करता हूँ। इसके बाद मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ।
तो जब फाइनली आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। हमारा जो वीडियो शूट हुआ था ग्रीन स्क्रीन में, फुल बॉडी में शूट नहीं हुआ, इसलिए हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। यदि आप वीडियो फुल स्क्रीन में शूट करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साउंड ऐड करना है, तो यहाँ पर आप कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। तो लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, वो वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कैसे आपको सेट करना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक आइडियो कर देना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसे आपको डिलीट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे साउंड ऐड हो चुका है। तो इस तरह से भी चाहे तो साउंड ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल आपको आइडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे यदि आप आइडियो डाउनलोड करके रख रखे हैं तो सिंपल जो भी आइडियो आपको सेलेक्ट करना है सिंपल क्लिक करेंगे, आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे आपको आइडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस आइडियो को आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो इस तरह से चाहे तो आप आइडियो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो टिकटॉक वीडियो के नीचे @TechnicalSalen लिख सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक कॉपी करने के बाद इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।